ऐसे छोटे बड़े सब दागों के लिए हम ले आए हैं वाइप आउट, हमारा मैट इमल्शन जो आसानी से सब दाग करे साफ। मिटते रहे दाग, मुस्कुराती रहे जिंदगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राणा फैसल। और आज का प्रोग्राम है सेहत है तो ज़िंदगी, जिसमें हमने मधु किया है होम्योपैथिक डॉक्टर असद बिन आरफ को, जो कि तकरीबन 20 साल से फैसलाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे पास मौजूद हैं। और ये पढ़ाते भी हैं, होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। और इनसे आज पूछते हैं कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया और होम्योपैथिक के बारे में कि ये होम्योपैथिक जो है वो कब भारत से वजूद में आई और इसका तरीका इलाज क्या है और लोग इसको कैसे पसंद करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके इस बड़े अच्छे चैनल पीसी वर्ल्ड की तवज्जो से मैं लोगों की खिदमत में कुछ बातें पेश करूँगा, तो बड़ा अच्छा चैनल है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर असद बिन आरिफ फैसलाबाद में, मैंने आज से तकरीबन 17-18 साल पहले प्रैक्टिस का आगाज़ किया और 20 साल पहले जो है ना अपनी स्टडी का आगाज़ किया था। तो होम्योपैथिक के हवाले से ये आपने सवाल किया कि ये कब मार्ज़े वजूद में आई। बेसिकली होम्योपैथिक जो है ये तो बहुत पुराना करीन तरीका इलाज है, लेकिन इसको एक नए तरीके से जो दुनिया के सामने एक्सप्लोर किया और पेश किया वो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर सैमुअल हनीमन। उन्होंने 1796 में इसको नए अंदाज से, नए जोश वलवले से दुनिया के आगे पेश किया और उसको मनवाया, और उस होम्योपैथिक की का जो सेहरा है वो उन्हीं के सर पे आज तक जो है वो सजा है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये इसके साथ बहुत सारे लोग एलोपैथी के बाद ये एक दूसरा तरीका इलाज है जिससे जो दुनिया ज़्यादा मुस्तफीद हो रही है। इससे वो हिकमत वाला तरीका इलाज तो था ना पहले? नहीं, हिकमत वाला जो तरीका इलाज है, ये समझते हैं कि ये सेकंड नंबर पे है एलोपैथी के बाद। जी, ये सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में भी, और इस टाइम पाकिस्तान में भी सेकंड नंबर पे है। ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे इसको जो है पूरी वर्ल्ड जो है इसको एक्सेप्ट करती है। एलोपैथिक है, उसके बाद फिर होम्योपैथिक है, फिर तिब है, फिर और बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। मकसद तो ये है कि इंसान की सेहत के लिए, इंसान की ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए हैं जिससे इंसान सेहत मुस्तफीद होता है सेहत के लिए। तो आप किस तरीका इलाज क्या है आपका होम्योपैथिक में, आप किस चीज़ में कोई एक्सपर्टीज़ आपको है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कुदरती तौर पर मेरा जो रुझान था वो किडनी के तरफ ज़्यादा। मैं वैसे तो होम्योपैथिक में स्पेशलाइजेशन स्पेशली करवाई नहीं जाती, लेकिन ये अपना एक इंसान का ट्रेंड, अपना डॉक्टर का एक रुझान होता है कि किस चीज़ को, किस डिज़ीज़ को के वो ज़्यादा केसेस देखता है, तो उसमें स्पेशलिटी उसके अंदर आ जाती है। तो मैं गुज़िश्ता 17 साल से मैं किडनी के केसेस को ही मोस्टली देखता हूँ। किडनी के, जैसे कि किडनी की स्टोन है या किडनी के रेलिवेंट और बहुत सारे प्रॉब्लम है, किडनी की स्वेलिंग है और किडनी पेन, किडनी फेलियर, तो इस हद तक जो जितने भी केसेस हैं उनको डील करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक से लोग बहुत फायदेमंद हो रहे हैं। तो ये क्यों, किडनी के प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं लोगों में, इसमें लोगों को आप बताएं, को टिप्स बताएं कि इससे किस तरह बचा जा सकता है कि किडनी फेलियर ना हो या किडनी में स्टोन ना आए या किडनी का कैसे। कुछ लोग जो हैं वो मेडिसिन का, हमने सुना है कि डॉक्टर साहब कहते हैं जी आपने मेडिसिन जो है गलत इस्तेमाल करते रहे हैं या एक्सेस उसकी आपने डोज ले ली है तो उसकी वजह से वो आपका आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर हो गया जी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, आप लोगों के लिए कुछ टिप्स दें। फैसल साहब, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं समझूंगा कि आज के प्रोग्राम का की जो जान है वो वाला सवाल आपने पूछ लिया है जी, बताइए। जिससे मकसद तो लोगों को मैसेज कन्वे करना है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने सवाल ऐसा किया है कि अगर लोग आपकी इस सवाल के बात के ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो लोगों को किडनी का स्टोन या किडनी के प्रॉब्लम हो ही ना। तो ये आपका ये चैनल लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के लिए ये बात के तवज्जो से मैं आप बात कन्वे करना चाहता हूँ कि देखें, वो लोग जो ज़्यादा सिटिंग करते हैं, ज़्यादा देर तक बैठते हैं, वो चाहे ऑफिस में हैं या किसी दुकान पे हैं, इवन के वो किसी कपड़े की दुकान पे सेलमैन ही क्यों ना हो, वो 10 से 12 घंटे बैठते हैं लेट नाइट, अपना घर में जाते हैं तो उस वक्त लेट नाइट खाना खाते हैं
और वो लोग जो होटलिंग करते हैं और लेट नाइट खाना खाने के बाद वो सो जाते हैं, वो लोग जो कम पानी पीते हैं, उसके बाद हमारे पंजाब में एक ट्रेंड है ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने का इस्तेमाल। पहले वर्ल्ड में हार्ट की रेशो, हार्ट के पेशेंट्स की रेशो बहुत बढ़ रही थी, इसके बाद अब जो सेकंड नंबर है वो किडनी का है। किडनी के पेशेंट लोग इस बात को अवेयर नहीं कर रहे, तो ये इस चैनल के ज़रिए से मैं कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम ये जो तेज़ नमक मिर्च मसाले और ये एक जो नमक है, नमक किडनी फेलियर तक पेशेंट को लेके जा रहा है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। पानी का इनटेक कम से कम एक दिन में 8 से 10 ग्लास एक दिन में 24 घंटे में पानी इनटेक करना चाहिए। वो लोग जो ज़्यादा टेम्परेचर में, ज़्यादा गर्मी में काम करने वाले हैं, उनको किडनीज के इश्यूज़ ज़्यादा आते हैं। वो लोग जो ज़्यादा मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन, बॉडी में किसी भी जगह पे पेन हुआ, मेडिकल स्टोर पे गए, पेन किलर खुद से परचेज़ किए, वो ख़रीद के खा लिए, कोई प्रॉब्लम हुआ एंटीबायोटिक या पेन किलर का बेहंगम इस्तेमाल, जो कि कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं कहता, कोई भी रिकमेंड नहीं करता, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो दुनिया का कोई भी तरीका इलाज है। मेडिसन जो सेल्फ मेडिकेशन है वो इंसान को किडनी के ख़राब होने का मौजब बनती है। और इसके अलावा आप वो पढ़ाते भी हैं कॉलेज में, होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं? जी जी, वो तो स्टडी स्टूडेंट्स को कराते हैं, लेकिन मकसद ये है कि इसी सवाल से रेलिवेंट एक बात मैं कहना भूल गया जी, कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी किडनी का स्टोन है, इसके लिए हम होम्योपैथिक ही दवाई क्यों इस्तेमाल करें, इसकी क्या? होम्योपैथिक और एलोपैथिक तरीका इलाज पर थोड़ा सा आप देखिए, मुझे दुनिया के किसी भी तरीके इलाज से कोई एतराज़ नहीं है। ये सारे ही तरीके इलाज इंसान की फलाह के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए बने हैं, कुदरत ने बनाए हैं, और इस पे साइंस ने बहुत तरक्की जो है की है, वो मकसद तो इंसान की हेल्थ है। लेकिन होम्योपैथिक ही क्यों? उसकी वजह ये है कि वो प्रॉब्लम्स जो कि विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी ओवर एक्सपेंस, उसके अलावा अगर आप हेल्थ चाहते हैं, किडनी की स्टोन या किडनी से रेलिवेंट किडनी फेलियर, तो उसके लिए आप होम्योपैथी को अडॉप्ट करेंगे। तो क्योंकि ये एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, इसमें आप नेचुरल तरीके से कुछ अरसा मेडिसिन खाएं, तो आपका जो स्टोन है वो नेचुरली ब्रेक होके थ्रू आउट यूरिन पास हो जाता है। तो मुनासिब से इसके अंदर एक्सपेंडिचर्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेशेंट का ऑपरेशन से बच जाता है, बहुत पेनफुल प्रोसेस से बच जाता है। लेज़र से भी तो इसको रिमूव किया जाता है। अब आपने एक और इम्पोर्टेंट बड़ा सवाल आपने उठा दिया कि देखें, अगर कोई पेशेंट लेज़र करवाता है किडनी स्टोन के लिए, ऑपरेट करवाता है, लिथोट्रिप्सी करवाता है, या कोई और तरीका इलाज, या कोई देसी दवाई इस्तेमाल करता है, बहुत सारे तरीके इलाज से किडनी की स्टोन निकल जाती है इस एडवांस दुनिया में। ये सिर्फ होम्योपैथिक ही नहीं है कि जो सिर्फ किडनी में से स्टोन निकालती है। मकसद होम्योपैथी का ये है कि होम्योपैथिक सिस्टमेटिकली तौर पे किडनी से स्टोन को पहले निकालती है, उसके बाद उसको ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, उसके बाद उसकी किडनी में स्टोन दोबारा जनरेट ना हो, उसकी जो रूट काज है, उसकी जो काजेज हैं जिसकी वजह से उसका स्टोन जो है वो डेवलप हो रहा था, उसको ये ख़त्म करती है। सबसे प्लस पॉइंट होम्योपैथी का जो जी इस हवाले से ये सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होम्योपैथी का है, जिससे कि आप किडनी स्टोन के बनने से बच भी सकते हैं, किडनी स्टोन को निकाल भी सकते हैं, और किडनी स्टोन निकलने के बाद भी इसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसी तरह किडनी फेलियर में भी यही प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अभी थर्ड या फोर्थ स्टेज पे नहीं अभी गए होते, वो फर्स्ट सेकंड स्टेज पे गए होते हैं, किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट से वो वापस क्योर हो जाते हैं। अच्छा, मेरी कुछ डिस्कशन एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ ये भी रही है कि कुछ तो बिल्कुल भी होम्योपैथिक को मानते नहीं हैं, कुछ मानते भी हैं जी, और वो कहते हैं कि ये सारा ड्रामा है और इसमें कोई तरीका इलाज नहीं है जी। इसमें भी कुछ हकीकत है। बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी ये बात। बहुत इंटरेस्टिंग आपने कहा कि ये कुछ मरीज है, ऐसे है वो भी रिलाई नहीं करते। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देखिए, रिलाई करना डॉक्टर का काम नहीं होता। कुछ लोग दम कराने वाले बाबे के पास जा रहे हैं, तो उसको हम किसी को रोक नहीं सकते।
ये एक हर बंदे की अपना एक क्राइटेरिया है कि उसकी क्या मेंटालिटी है, लेकिन जो आपने ये कहा कि डॉक्टर नहीं मानते, जो एक मेरी मैं आपसे बड़ी एक कॉमन सी बात करने लगा हूँ, ड्रामा जो है वो 4 दिन 6 दिन 10 दिन चलता है या चंद दिन चलता है, ड्रामा सदियों का नहीं चला करता। जो हकीकत पर चीज़ मबनी होती है वो सदियों नहीं चलती। ये सदियों से तरीका इराज जो राइज है और इससे हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो शफायाब हो रहे हैं हमारे क्लिनिक्स पे, और होम्योपैथिक जितने भी, और होम्योपैथिक में अब बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स आ रहे हैं जिनमें PhD होल्डर्स हैं, और बहुत सारे MBBS डॉक्टर्स जो हैं जब वो होम्योपैथिक के फलसफे को या होम्योपैथिक की स्टडी करते हैं तो वो उसकी तरफ माइल होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमारे कंट्री में भी हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, और इंडिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छे होम्योपैथ पढ़े लिखे आ रहे हैं, और इसके लिए बहुत अच्छा एजुकेशन पे भी प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। हुकूमत ने भी इसको प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को जो है वो कर्जे देने शुरू किए हैं कि वो अपने क्लिनिक्स को अपडेट करें। बल्कि मैंने तो सुना है अभी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कुछ सीट्स क्रिएट, डेफिनेट जी। देखें, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक होम्योपैथ डॉक्टर, एक जूनियर होम्योपैथ डॉक्टर और एक उसका असिस्टेंट, उसके साथ तीन सीटें अरेंज जी, और उसके साथ पे हर्बल का भी डिपार्टमेंट। ये कब से स्टार्ट किया इन्होंने? ये उसको तकरीबन हो गए हैं कोई 10-15 साल से काम हो रहा है। इट मींस कि वो गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज कर रही है, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है, इसके ऊपर वर्क हो रहा है, और नेशनल काउंसिल ब्राई होम्योपैथी के एक इस्लामाबाद में प्रॉपर एक अदारा है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है वो, और उसके ऊपर इसके बाद फिर एक और अदारा जो आया है, ये हेल्थ केयर कमीशन के भी अंडर होम्योपैथ डॉक्टर आए हैं, उन्होंने अपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बताए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब हैं, वो अपने क्लिनिक्स को अपडेट करें और अपने क्लिनिक्स के जो आप क्राइटेरिया है उसको अच्छा करने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटफुल आपने गुफ्तगू की, उससे इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। ऐसे छोटे बड़े सब दागों के लिए हम ले आए हैं वाइप आउट, हमारा मैट इमल्शन जो आसानी से सब दाग करे साफ। मिटते रहे दाग, मुस्कुराती रहे जिंदगी।